हाय गाइस, मैं सुशांत और आप सभी देख रहे हैं इन्फिनाइट इलेक्ट्रिसिटी। आज के बीच जो हम वीडियो में हम एक ट्रांसफार्मर पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो छोटा सा ट्रांसफार्मर है ये 12 वोल्ट और 0.5 एम्पियर का है। इससे हम बैटरी चार्जर बनाएंगे और बैटरी चार्जर से क्या क्या यूज कर सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो ठीक है, हम वीडियो शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर का वर्क होता है हाई वोल्टेज को लो करना या फिर लो वोल्टेज को हाई करना। ये जो मेरा दो वायर है इसमें हम इनपुट देंगे 230 वोल्ट और इस तीनों से हम आउटपुट लेंगे। ये ब्लू और वायर से यदि आउटपुट लेंगे तो 6 वोल्ट और इस दोनों से लेंगे तो 6 वोल्ट, और यदि दोनों ब्लू वायर से आउटपुट लेंगे तो 12 वोल्ट आउटपुट आएगी। ये हाई वोल्टेज से लो वोल्ट ट्रांसफार्मर है और ये जो है एसी को डीसी नहीं करती है। ये हाई वोल्टेज को सिर्फ लो वोल्ट में या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्ट में करती है। तो इसे हम डीसी कैसे बनाएंगे, क्योंकि बैटरी जो चार्ज होती है डीसी पर चार्ज होती है। ये जो है ये मेरा रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी में चेंज कर देता है। इस रेक्टिफायर में मैंने पहले से वायर जोड़ दिया है। ये जो दोनों है इसमें हम सप्लाई देंगे और इस दोनों में हम आउटपुट लेंगे। ये जो रेड वायर है ये पॉजिटिव है और ये जो है ऑरेंज कलर का वायर ये निगेटिव है। और एसी में जो सप्लाई देंगे इसमें हम पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए किसी से भी किसी में हम जोड़ देंगे। तो पहले हम 12 वोल्ट से जोड़ के देखते हैं। और यदि रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है यदि ये जानना हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो का वो आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा ट्रांसफार्मर से उससे हम इस रेक्टिफायर में वायर को ज्वाइन कर दिए। और ये जो रेड वायर है और ऑरेंज वायर ये मेरा आउटपुट आ गया। ये रेक्टिफायर लगाने के बाद भी ये आउटपुट जो आती है पूरा का पूरा डीसी नहीं हो पाती है। इसी के कारण हम इस दोनों में एक कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर डीसी करंट को रोक देती है और एसी करंट को पास होने देती है, जिससे यहाँ पर जो आउटपुट आएगा प्योर डीसी आएगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर है 2200 माइक्रो फैराड का है और 35 वोल्ट का है। ये जो देख रहे हैं आप निगेटिव शो कर रहा है, ये इधर निगेटिव है और उस साइड पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ेंगे और निगेटिव को निगेटिव से जोड़ेंगे। ये जो रेड वायर है ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं। और ये मेरा नेगेटिव है, इस कैपेसिटर का नेगेटिव से जोड़ रहे हैं। ये कैपेसिटर लगाने के बाद ये जो है इसका डीसी आउटपुट जो आता है वो प्योर डीसी आता है, क्योंकि ये डीसी को रोक देता है और एसी को पास होने देता है। तो यहाँ पर सिर्फ ओनली डीसी रुकती है जिसे हम डीसी आउटपुट लेते हैं। ये मेरा 230 वोल्ट का सप्लाई है, इसे हम ट्रांसफार्मर को पहले कनेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इसीलिए 230 वोल्ट को ये 12 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। ये ट्रांसफार्मर के बारे में जानना हो तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है मेरा, यहाँ पे स्पार्क कर रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, बैटरी कुछ भी डीसी को यूज कर सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, बैटरी चार्ज कर सकते हैं या फिर 12 वोल्ट तक कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक हम मोटर चला के देखेंगे, अभी मेरे पास बैटरी तो नहीं है। ये जो मोटर है ये सेल्फ स्टार्ट मोटर है, बाइक का सेल्फ स्टार्ट। इसके आगे के पार्ट को मैंने काट के हटा दिया है और इसके आउटपुट में हम इसको सप्लाई देंगे। मतलब कि इसका जो आउटपुट आता है वो डीसी आता है। तो यहाँ पर हम डीसी कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये रोटेट हो रहा है, इसका जो एम्पियर है बहुत कम है, इसीलिए इसका स्पीड बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। ये जो मोटर है 2 या 3 एम्पियर का है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर 0.5 एम्पियर का है, इसीलिए इसका स्पीड बहुत कम है। हम यहाँ पे जो बैटरी को चार्ज करेंगे वो कम एम्पियर का होना चाहिए तभी चार्ज हो पाएगा। नहीं तो यदि 12 वोल्ट और 2 या 3 एम्पियर का बैटरी है तो हम मुझे ट्रांसफार्मर भी जो लगाना होगा वो 2 या 3 एम्पियर का लगाना होगा। अब हम इसी रेक्टिफायर को 6 वोल्ट पे कनेक्ट करके देखते हैं। ये जो वाइट वायर है यहाँ पर 6 वोल्ट आती है। कोई भी ब्लू वायर और वाइट वायर में जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 वोल्ट आउटपुट आएगी। इसे मैंने जोड़ दिया, अब इसका आउटपुट देख रहे हैं।
ये आउटपुट आ रही है। यहाँ पर हम 6 वोल्ट का डीसी कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये आप घर पे बड़ा आसानी से बना सकते हैं चार्जर, बहुत ही सिंपल है। बैटरी जो होता है वो डीसी आउटपुट देता है, और वो जो चार्ज होता है वो डीसी पे होता है, इसीलिए हमें डीसी बनाना पड़ता है, एसी करंट को डीसी बनाना पड़ता है, वो किसी भी तरीके से हम बनाएं। तो हम देख लेते हैं ये कैसे बनाएं। ये जो है मेरा ट्रांसफार्मर है, और इसमें हम 230 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं इनपुट, जो कि एसी है, और ये जो आउटपुट आ रही है ट्रांसफार्मर से, जो आउटपुट भी आता है वो एसी ही आती है। तो इस दोनों से जो है ये 12 वोल्ट आउटपुट आ रही है, और बीच बीच में जो है ये 6-6 वोल्ट आउटपुट एसी आ रही है। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी वोल्ट को एसी में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन लो या हाई या फिर हाई या लो को करता है। ये जो है ये मेरा रेक्टिफायर है, ये एसी करंट को डीसी में चेंज करता है, लेकिन प्योर डीसी नहीं कर पाता है। ये मेरा नेगेटिव है और ये मेरा पॉजिटिव है। तो अब इसे प्योर डीसी करने के लिए हम इसे कैपेसिटर लगाते हैं। यहाँ आप कोई भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखें, ये जो आउटपुट जो आ रहा है, यदि 12 वोल्ट का आ रहा है, तो हम जो कैपेसिटर लगाएंगे वो 12 वोल्ट से ज़्यादा के लगाएंगे, 25 वोल्ट का लगाएंगे या फिर 35 वोल्ट का, नहीं तो ये कैपेसिटर जो है ये कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो सकती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो 12 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर जो हम कैपेसिटर लगाएंगे या तो 25 वोल्ट का लगाएंगे या फिर 35 वोल्ट का लगाएंगे, नहीं तो यदि इससे कम वोल्ट का लगा दें, 12 वोल्ट से कम का, ये कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। ये बात का हमेशा आप ध्यान रखें। और यहाँ पे हम कुछ भी चला सकते हैं, डीसी फैन चला, मतलब कि डीसी मोटर चला सकते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, या फिर डीसी बल्ब जला से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चार्जर कैसे बनाया जाता है इस ट्रांसफार्मर से। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और यदि किसी भी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।